रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बहुत डिस्प्यूट हो रखा है पैन इंडिया में कि रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी लग गया। तो पहले आप समझ लीजिए 18 जुलाई से, 3 जुलाई 2022 से क्या चेंज आया। चेंज नंबर वन, सी जब हम कमर्शियल लेटिंग आउट करते थे, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी जब हम लेट आउट करते थे उस पर पहले भी जीएसटी लगता था और अब भी लगेगा। लेकिन कमर्शियल लेटिंग आउट में होता यह है कि जो लैंडलॉर्ड है उसे जीएसटी चार्ज करना है, फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा। चेंज क्या आया है 18 जुलाई 2022 से, ध्यान से सुनिए। एनी पर्सन, चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, हु इज प्रोवाइडिंग सर्विसेस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूज एज ए रेसिडेंशियल पर्पज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो आप मान लीजिए कि अगर लैंडलॉर्ड अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर लेट आउट करता है तो जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड। सो एक एक बातें मैं आपके सामने बड़े स्लो पेस में रख रहा हूं जिससे आप बात समझ पाए। यानी अगर लैंडलॉर्ड, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहा है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड रहेगा, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब जीएसटी कब लगेगा? जब ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को लेट आउट की है। यानी अगर लैंडलॉर्ड ने अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है तब जीएसटी लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रजिस्टर्ड पर्सन इंडिविजुअल भी रजिस्टर्ड हो सकता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, यानी कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी में है, अगर उसको प्रॉपर्टी लेट आउट की गई है तो जीएसटी लगेगा 18 जुलाई 2022 से। अब जीएसटी देगा कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है। तो उनने कहा ये जीएसटी रिसिपिएंट जो टेनेंट है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो जीएसटी रिवर्स चार्ज में देगा, आरसीएम में देगा। यानी लैंडलॉर्ड जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, रिसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करेगा। तो 18 जुलाई 2022 से, अब तीन चीजें क्विकली आपको बता दूं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे पहले भी जीएसटी लगता था, अभी भी लगेगा, लेकिन फॉरवर्ड चार्ज में लगता था और फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, यानी लैंडलॉर्ड ने चार्ज करना है। लेकिन लैंडलॉर्ड की अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से नीचे है तो उसे रजिस्ट्रेशन देने की जरूरत नहीं है। 20 लाख रुपए की एक थ्रेशोल्ड अमाउंट होती है ईयरली, अगर 20 लाख से नीचे है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की या जीएसटी चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। जब इनकम उसकी 20 लाख रुपए से ऊपर होगी एग्रीगेट टर्नओवर, तभी उसे रजिस्ट्रेशन लेना है और तभी जीएसटी चार्ज करना है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इनने चेंज किया, क्या चेंज किया? अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेट आउट की है तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब आपने रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को, जो रजिस्टर्ड टेनेंट है, अगर उसको लेट आउट की है तो जीएसटी लगेगा और रिवर्स चार्ज में लगेगा। यानी रजिस्टर्ड रिसिपिएंट जो टेनेंट है उसको जीएसटी देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? 18%, 18%। इसमें एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आता है। मान लीजिए मैं लैंडलॉर्ड हूं और मैं अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहा हूं टू रजिस्टर्ड पर्सन, और मान लीजिए मेरी इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा है, मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है। लैंडलॉर्ड हूं, मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है, पर मैंने अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन को लेट आउट की है, तो क्या लैंडलॉर्ड को रजिस्ट्रेशन लेना होगा? नहीं लेना होगा। अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2,
रेड विथ नोटिफिकेशन नंबर 5/2017, इस केस में लैंडलॉर्ड को रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना, बट जो रजिस्टर्ड रिसिपियंट है, जो रजिस्टर्ड टेनेंट है, उसे जीएसटी देना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? 18% पर एनम।